which symbol is that clear today? Now just go through the video and do as you did yesterday. जैसे आप लोगों ने yesterday अच्छे से बहुत ही अच्छे से participate करा था, ठीक है? वैसे ही आपको क्या करना है, आज के challenge को भी पूरा करना है. And day three के student, जो हमारा day three होगा, उसमें आप अपने parents की help करके कोई भी dish सारे इंग्रेडिएंट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि मैंने कौन कौन सी सिंपल सी चीजें ली हैं, जिससे मैं हम लोग क्या बनाएंगे अपना वेज सैंडविच को क्या करेंगे, रेडी करेंगे. एंड स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कोकम्बर मीन्स खीरा. हमने इसको क्या करा है, इसको स्लाइस करा है सेम एज अनियंस के साथ, प्याज के साथ भी हमने करा है, इसको भी हमने क्या करा है स्लाइस ऑन किया है. एंड सेम विद द टमाटोज को भी हमने क्या करा है स्लाइस करा है. टमाटो सॉस यू हैव टू टेक. And I had mentioned in the ingredient list, that is the you can take the coriander or the mint chutney, पुदीने वाली या फिर धनिये की चटनी आप ले सकते हैं. Simple salt लीजिए and optional है, that is the black pepper powder, काली मिर्च का powder है, ये optional है. अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, otherwise simple salt से भी क्या हो सकता है, बहुत अच्छा quick taste आ सकता है, क्योंकि ये बाकी सारे ingredients कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा refreshing. स्टूडेंट, मैंने नॉर्मल क्या ली है, ब्रेड ली है. आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स द बटर, जिसका जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है. एंड स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू टेक द पीस ऑफ ब्रेड. हम लोगों को क्या करना है, इसकी जो साइडिंग्स है, ब्राउन साइडिंग्स है, उसे हमें क्या करना है, पहले इसको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ. हम नाइफ की हेल्प से क्या करेंगे, इसे रिमूव करेंगे. सो दैट जो सैंडविच है उसको हम कंज्यूम इजिली बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर स्लाइसिंग इट आई विल कीप दिस ब्रेडिंग असाइड. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर डिश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है स्टूडेंट, सो हम लोग क्या करेंगे, पीस ऑफ ब्रेड लेंगे. सबसे पहले वी विल यूज अ नाइफ, हम लोग नाइफ की यूज लेंगे. स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको मेंशन कर दूं कि कटिंग और चॉपिंग के लिए आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इनकी कटिंग और चॉपिंग के लिए. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, बटर लेंगे. वी विल अप्लाई बटर टू अवर ब्रेड वेरी केयरफुली. स्टूडेंट, यू कैन सी हाउ आई एम अप्लाइंग इट, कवर ऑल द ब्रेड पीसेस. And then, after taking butter, we have to prepare a layer. हम लोग क्या बनाएंगे, थ्री लेयर सैंडविच बना रहे हैं. सो हम लोग को लेयर लगानी है, तो सबसे पहले आई विल पुट अ पीस ऑफ सम पीसेज ऑफ क्यूकम्बर इन इट. हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा क्यूकम्बर रखेंगे. इजिली जितनी मल्टीपल लेयर्स आप लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. एंड वाइल पुटिंग द क्यूकम्बर वी विल पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट and as well as our black pepper. And then we will take another slice. हम लोग एक another slice लेंगे, उसमें I will put this green chutney over it. Very properly you have to put it, okay students? एंड स्टूडेंट, अगर ये एक्टिविटी हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होके करेंगे, सो आप लोगों को और भी मजा आएगा. देन वी विल पुट दिस पीस ऑफ ब्रेड ओवर इट एंड देन आई विल पुट द लेयर ऑफ टमाटोज इन इट. मैं क्या लगाऊंगी फिर, टमाटोज की लेयर इसके अंदर लगाऊंगी. सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, जैसे रेड एंड ग्रीन कलर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स होते हैं. यू कैन एंजॉय द अर्ली डिश इन इट. अगेन अ पिंच ऑफ सॉल्ट यू विल टेक and a pinch of black pepper as well. And then I will take another piece of bread and then I will apply some tomato sauce over it.
ओके स्टूडेंट, अप्लाई टोमेटो सॉस वेरी वेल, अच्छे से लगाइएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इसमें थ्री लेयर सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। इट डज नॉट मैटर कि आप लोगों को थ्री लेयर सैंडविच ही बनाना है, यू कैन ऑल्सो मेक अ सिंपल लेयर सैंडविच। आप आराम से नॉर्मल लेयर्स लगा सकते हैं, टू लेयर सैंडविच भी बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगी। इट इज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग स्टूडेंट, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है आपका इसको बनाने के लिए। सो आप लोग इजिली इसे 10-15 मिनट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अगेन अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ओके स्टूडेंट्स, देन एट लास्ट यू कैन अगेन अप्लाई बटर टू अ लोफ ऑफ ब्रेड वेरी केयरफुली एंड देन कवर इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस सैंडविच इज वेरी वेल रेडी एंड यू कैन कट इट इन टू द वेरियस पीसेस। आई एम हैविंग सम टूथपिक्स विद मी, मेरे पास कुछ टूथपिक्स है, मैं क्या करूंगी इन टूथपिक्स को प्रॉपरली लगाऊंगी ताकि ये जो लेयर्ड सैंडविच है वो कहीं पर आपका डिस्पोज ना हो। एंड देन मैं वेरी केयरफुली इसको क्या करूंगी, कट ऑन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड द सैंडविच इज रेडी टू बी सर्व्ड। स्टूडेंट ये तो रहा मल्टी लेयर्ड सैंडविच, जैसे आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, बट जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप लोग सिंपल नॉर्मल वन लेयर सैंडविच भी बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को एक बना के दिखाती हूँ। सो सिंपल क्या करना है, आपको ब्रेड लेना है, पीस ऑफ ब्रेड लेना है, फिर उसमें आपको क्या करना है बच्चों, बटर अप्लाई करना है अगेन वेरी वाइजली एंड केयरफुली यू हैव टू डू। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मल क्यूकम्बर के पीसेस लीजिए, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर एंड देन यू कैन कीप अनियंस, अब वन लोफ ऑफ ब्रेड में भी अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सॉल्ट लिटिल बिट, देखिए बच्चों ज्यादा सॉल्ट मत डालिएगा, मैं इसमें बहुत ही कम सॉल्ट डाल रही हूँ, जितना टेस्ट के लिए क्या होगा परफेक्ट होगा, अदरवाइज अगर आप ज्यादा सॉल्ट डाल दोगे इट विल बी क्वाइट सॉल्टी। ओके सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल पुटिंग सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर इन इट, अदरवाइज आप लोगों को यू विल फील मोर सॉल्ट ओवर इट। ओके स्टूडेंट, नाउ अबाउट दिस चटनी यू कैन पुट इन बिटवीन इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन पुटिंग इन बिटवीन। Okay, students. Then another time, here times come to put our tomatoes. Again, a little bit salt for tomatoes and a little bit this. Next, again, lastly, just take a loaf of bread. आप लोग या तो टमाटो केचप इसके ऊपर लगा सकते हैं, सॉस लगा सकते हैं, टमाटो सॉस लगा सकते हैं, अदरवाइज बटर आपको लगाना है बटर लगा सकते हैं, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू, इधर वन यू कैन यूज इट। सो देन यू विल क्लोज दिस एंड दीज बोथ द पीसेस ऑफ सैंडविचेस नाउ आर रेडी टू बी कट वेरी फाइनली टू बी प्रेजेंटेड ऑन आवर प्लेट। सो लेट्स स्टार्ट कटिंग दैम। यू हैव टू कट the small sandwich into the equal half very carefully and this kyunki humne isme kya lagaye the 1 2 3 4 toothpicks lagaye the to hum isko kisme karenge 4 parts mein kya karenge students jise hum bahut wisely kya karenge isko hum cut karenge niche tak proper। okay students, so students after cutting it very perfectly आप लोगों को क्या कहना है, टमाटो सॉस लेना है, बस उससे आप लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा सा कुछ लाइक स्माइली बना दिया,
जस्ट ड्रॉप्स बना दी कुछ इसके ऊपर, तो अच्छा रहेगा. सो स्टूडेंट, नाउ यू कैन प्रेजेंट इट इन अ वेरी प्लीजन मैनर. यू कैन सर्व दिस डिश लाइक अ प्रोफेशनल्स. एंड हियर आई विल गिव यू द लुक ऑफ द डिश कि कैसे ये मल्टी लेयर्ड सैंडविच आपको दिखेगा. मैं भी आपको इसका जूम लुक भी दूंगी स्टूडेंट्स, ठीक है. आई होप दैट आप लोगों ने वीडियो अच्छा से एंजॉय करा है. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ क्लोजअप व्यू ऑफ अवर डिश. सो देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्लोजअप लुक है. अगर आप देखोगे कैसा ये मल्टी लेयर्ड सैंडविच निकल के आया है, ठीक है. आप लोगों को क्या करना है, इसे अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से सर्व करना है, ठीक है. प्रॉपर इसको गार्निश करके देखिए स्टूडेंट्स कैसे दिख रहा है ये सैंडविच आपको, ठीक है. एंड यू विल एंजॉय दिस. आप लोग एंजॉय कीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ बना के. और जैसे कि कल आप लोगों ने एक्टिविटी में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा है स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आप लोग क्या करेंगे अभी भी उसको बहुत और अच्छे से क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. नाउ लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस. यू कैन सी हाउ दे आर लुकिंग. सो आप लोगों को भी क्या करना है, बहुत अच्छे से वीडियो बना के क्या करनी है, पोस्ट करनी है, ठीक है. एंड स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आप लोगों को अपने पेरेंट्स को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है इस एक्टिविटीज में, कि उन लोगों ने भी एक्टिविटीज आप लोगों के साथ क्या करी है, इंजॉय करी है, ठीक है स्टूडेंट्स. ऑल द वेरी बेस्ट एंड पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन बिकॉज दीज आर जस्ट फन लविंग एक्टिविटीज जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ नया सीख सकते हो. भले ये सिंपल सी छोटी सी कुकिंग है बट इट विल गिव यू अ प्लेजर विद योर फैमिली. सो स्टूडेंट ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.